हेलो गाइस, हाय, गुड आफ्टरनून। अभी इवनिंग होने का भी टाइम आ गया, सो गुड इवनिंग आल्सो। सो मैं ये बात करने वाला हूँ आज मूवी के बारे में, वो है एक लीगसी, वो है एक ट्रेडिशन, इतने साल से जो चला आ रहा है, इतने साल से जो मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। वो है एक फिनोमिनल एक्टर, वो है एक लीजेंड विथ हिज ओन स्टाइल, लियाम निसन। ओ माई फकिंग गॉड, जस्ट नाउ मैंने कोल्ड परस्यूट मूवी देख के फिनिश की। मैं बहुत टाइम से लियाम निसन की मूवीज देख रहा हूँ, टेकन 1, 2, 3, रन ऑल नाइट, अननोन, द कम्यूटर रिसेंटली आई होगी 2017-18 की, ए टीम में थे वो, उसके बाद में और कौन कौन सी यार रिसेंट जो कुछ है ना, अभी जस्ट लीसन थोड़ा टाइम पहले। सो ये सारी मूवीज याद, नाम याद नहीं आते, लियाम निसन की सारी मूवीज, मतलब ये इज अ फकिंग एपिक लीजेंड। मतलब कैसे बताया क्या, हाँ मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड परस्यूट के बारे में, आई नो, बट ओवरऑल मुझे ये भी बात करनी है। हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, जब भी कोई मूवी देखते हैं, कुछ भी रहता है, तो हमें क्या रहता है कि एक फील आना चाहिए हमें देखने के बाद, दैट वी विल फील गुड, वी विल फील हैप्पी, है ना। दैट्स द मोटिव टू वॉच एनी वीडियो, एनी मूवी, वट एवर। उसके पीछे का मोटिव यही है कि हमें एक अच्छा फील आए, दैट्स इट। इसकी मूवीज लियाम निसन की, लियाम निसन की मूवीज, इनकी मूवीज में एक फील आता है सारी की सारी, ऑलमोस्ट मूवीज में। ही इज अ ओल्ड गाय, ही इज अ रगेड ओल्ड गाय, उसका जो आवाज़ है ना, उसमें जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब इट्स लाइक अ स्वीट म्यूजिक। और जो मूवी उनकी ऑलमोस्ट सभी रहती है, टेकन से लेके अब तक की, वो एक फ्लूट की तरह बजती है, एक फ्लूट बजती है ना जिस टाइम पे, ऐसे फ्लूट बजती है ना, तो उस टाइम पे जो म्यूजिक क्रिएट होता है ना, उस तरह की मूवी की पूरी स्टोरी लाइन रहती है। या उसमें कुछ रिवेंज स्टोरीज है, उसमें कुछ डिफरेंट स्टोरीज है, द कम्यूटर की स्टोरी कुछ डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज रहते हैं। कोल्ड परस्यूट की स्टोरी कुछ डिफरेंट, कोल्ड परस्यूट इज अ मास्टरपीस आई विल से। अभी क्या यार, ये मंथ क्या सुपर गया है, पोलर रहने दो। उसके बाद में यार मूवीज, इतनी सारी मूवीज इस मंथ में आई है, मैन सिटी ने प्रीमियर लीग जीता, मुंबई इंडियंस ने IPL की ट्रॉफी जीती, इतनी सारी ऑसम मूवीज आ रही है इस मंथ में। आई मीन नेक्स्ट स्टेप अप हो रहा है हॉलीवुड में भी, नेक्स्ट स्टेप अप हो रहा है। कमिंग बैक टू द कोल्ड परस्यूट, कोल्ड परस्यूट की स्टोरी है अबाउट ट्राइबल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं, उनके कुछ कुछ बिजनेसेस चलते रहते हैं, और उस बिजनेस के चक्कर में लियाम निसन का सन लड़का अननेसेसरी मारा जाता है। नाउ वन थिंग इज देयर, आई डोंट नो हु आर यू, बट आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू। वो टेकन का डायलॉग आई गेस एवरी लियाम निसन फैन को याद है, राइट? कुछ ऐसा ही है। नाउ ही इज अ जस्ट सिंपल गाय लिविंग विद हिज फैमिली, ही इज अ हैप्पी सिंपल नॉर्मल गाय, और जब ये इंसिडेंस होता है तो किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो किस तरह से फेस करता है, वो उन लोगों को पनिश करेगा नहीं करेगा, वो लोग कौन है, ये ट्राइबल वॉर्स क्या है, किस तरह से चलते, उन लोगों के बिजनेस किस तरह से चलते हैं, मतलब एक अलग ही धुन है मूवी का। और BGM स्कोर एज ऑलवेज ऑसम, फंटेस्टिक BGM स्कोर, मतलब क्या बोलो, ऐसा लगता है कि हम कुछ डेजर्ट खाते हैं ना, हम कुछ टेस्टी डेजर्ट खाते हैं ना, या फिर हम कुछ ऐसा टेस्टी कुछ स्टफ खाते हैं ना, तो उस जिस टाइम की फीलिंग आती है ना, उस टाइप का BGM म्यूजिक रहता है ऑलमोस्ट ऑल टॉप क्लास हॉलीवुड मूवीज का, मतलब 100% है, तो उसमें 70-80% तो उनका BGM टॉप क्लास और बहुत ही स्मूथ और सूथिंग रहता है, कान के लिए प्लीजेंट रहता है। सो ये एक बात हो गई इस मूवी की, BGM के बारे में मैंने कहा, लियाम निसन के बारे में मैंने कहा, मतलब ही इज अ फकिंग लीजेंड ड्यूड, व्हाट आई विल से। डेंजल वॉशिंगटन और लियाम निसन, मतलब ये ऐसे दो बंदे हैं ना, तो मतलब इनका नाम सुनते ही जो उनका फैन है वो ऐसा बोलेगा, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, इस तरह के दो कैरेक्टर सही है।
डेंजल वॉशिंगटन एंड लियाम नीसन की मूवीज, एक लेगेसी कंटिन्यू है इनके मूवीज में. सो कोल्ड परस्यूट के बारे में बोल रहा था, तो ऐसा होता है अभी ट्राइबल वॉर हो रहा है, जो मेन गैंगस्टर है जो कुछ है उसकी वाइफ, वो कुछ फनी थिंग्स उसमें ऐड की गई है, उसका एक बच्चा है उससे कम्युनिकेशन की कुछ फनी थिंग्स उसमें ऐड की गई है. नेक्स्ट लियाम नीसन के लाइफ में उसके बाद में होने वाले इंसिडेंट्स, उसका फ्रेंड, उसकी वाइफ, ये सभी चीज़ें किस तरह से रिएक्ट होती है, ये सभी चीज़ें उसमें ऐड की गई. मैं स्पॉइल नहीं करूँगा मूवी को, मैं 101% आपको रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ जाके ये मूवी देखिए. ये वन ऑफ द मास्टर पीस है इस जनरेशन का. ये किस तरह से चीजें की जाती है, हाउ थिंग वर्क्स, इट्स अ मास्टर पीस ऑफ दिस जनरेशन. यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी. दैट्स इट, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस मंथ. बहुत जबरदस्त मूवीज आ रही हैं. एंड और भी कुछ है मेरे पास देखनी है मुझे, इफ आई फील दे आर गुड देन डेफिनेटली मैं रिव्यू करूंगा. एंड लियाम नीसन के फैंस प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज़ है, आपके कौन सी फेवरेट मूवीज़ हैं, लियाम नीसन आपके फेवरेट क्यों बने, कौन सी मूवी से बने, एंड कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है, इस मूवी के बारे में, कोल्ड परस्यूट के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाटएवर इट इज़, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए. और जो कुछ कमेंट करना है उसके पीछे कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कुछ थाट्स होने चाहिए, प्लीज़ डू दैट. ओके, एंड दैट्स इट. आई विल सम अप माय थॉट्स अबाउट कोल्ड परस्यूट इन दीज वर्ड्स. ये सभी बाकी की चीज़ें ना, ये डायरेक्टरी ये ओके, आई नो ऑल दोज थिंग्स, उनके बारे में लिख के नाम लेते मैं नहीं बैठने वाला हूँ. आई जस्ट वॉन्ट से वॉट आई फील, एंड वॉट आई फील इज इट्स अ मास्टर पीस, इट्स एपिक, एवरी वन शुड वॉच दिस मूवी. कोल्ड परस्यूट हैट्स ऑफ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन. प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए. हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे. मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, रिव्यू की वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे.